जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना चाह रहे हैं या फिलअप जो है वो कर रहे हैं और उनको जो है पेमेंट फेल्ड का इश्यू आ रहा है। सो इंस्टीट्यूट की साइड से जो है ये अर्जेंट अनाउंसमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन भी आए थे सर कि मेरा पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो चुका है, 2 बार जो है वो डिडक्ट हो चुका है, अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इस तरीके जो है सवालों को हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, इंस्टीट्यूट के क्या कहना है वो भी हम बेसिकली कवर करेंगे। तो सबसे पहले तक ठीक है, अब जो है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या आपको बताया है कि जब भी आप अपना जो पेमेंट है वो कर देते हैं तो आपको जो है 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको जो पेमेंट स्टेटस है वो अप्रूव शो हो जाना चाहिए। जैसे ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे होंगे, तो जब आपने इनरोलमेंट स्टेटस फिल किया होगा, इसके बाद जो है जब आपने अपना पेमेंट किया होगा, जब वापस इसी पेज पर आए होंगे, तो आप चेक करेंगे कि आपकी जो डिटेल्स हैं, मतलब आपका जो नंबर है, जो सेशन है, जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया है, जो मॉडल सेलेक्ट किया है, जो टाइम पे आपने पेमेंट किया है, और एंड में आता है आपका जो पेमेंट स्टेटस। ठीक है, पेमेंट स्टेटस जो है आपका सक्सेसफुल होना चाहिए और रिक्वेस्ट स्टेटस जो है आपका अप्रूव होना चाहिए। लास्ट में जो है होल्ड एंड अनहोल्ड भी आता है, वो आपको इग्नोर करना है, वो ऑफिशियली रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट ये बताता है कि अगर आपको ये दोनों सही है, सक्सेसफुल आ रहा है, अप्रूव आ रहा है, और अगर इंस्टीट्यूट के साइड से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, नाइदर मेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू, ठीक है, सो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब बेसिकली जो है टेंशन लेने वाली बात तो अदर भी नहीं है, बट आपको केवल ध्यान रखना है कि अगर आपने जो है पेमेंट कर दिया है, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया है, बट आपके जो बैंक की साइड से जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ICICI की ओर से आए ना आए, लेकिन बैंक की ओर से आ जाता है कि आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है 2 कंडीशन बनती हैं कि आपने पेमेंट कर दिया है, अमाउंट जो है वो डिडक्ट नहीं हो पाया है, और जो है रिफ्रेश हो गया है, आपका नेट का इश्यू रहा है, आप फ़ोन से कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं जिसकी वजह से आपको जो अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होता है, और जो पेमेंट स्टेटस है ना, जो इनरोलमेंट स्टेटस के टाइम पे जो आपका पेमेंट स्टेटस रहता है वो रह जाता है इनिशिएटेड। ठीक है, इनिशिएटेड ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटस है, ये बेसिकली प्रॉब्लम में थोड़ा बता सकता है, बट आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन बेसिकली इंस्टीट्यूट ने दिया है कि अगर आपका जो पेमेंट है वो जो स्टेटस है वो इनिशिएटेड शो कर रहा है, तो आपको तुरंत ही जो है नया पेमेंट कर देना है, चाहे आपका अमाउंट कटा हो या ना कटा हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो इनिशिएटेड शो कर रहा है, तो आपको जो है दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूट आगे कहता है कि अगर आपने 2 बार पेमेंट कर दिया है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन भी आए थे सर कि मेरा 2 बार अमाउंट कट डिडक्ट हो गया है, अभी तक रिफंड नहीं आया है, सो इंस्टीट्यूट का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अमाउंट है वो 72 आवर्स में जो है रिफंड हो जाएगा। एक बार जो है अपने बैंक से जाकर पता कर लीजिएगा, अगर जो है इंस्टीट्यूट को आ जाता है तो 72 आवर्स में जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इन केस जो है अगर नहीं आया होगा, नहीं डिटेक्ट हुआ होगा, तो केवल जो है आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की फी पे की होगी, उसी का जो है आपसे चार्ज लिया जाएगा, इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे कुछ टाइम के बाद जो है इंस्टीट्यूट एक प्रीलिमिनरी इनरोलमेंट स्टेटस भी जारी जारी करता है, जो आपका एक नॉर्मल स्टेटस बताता है कि हाँ आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिलअप हो चुका है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी हम वीडियो में बात करेंगे आगे, आप जो है चैनल के साथ बने रहेगा, टेलीग्राम के साथ बने रहेगा। तो यहाँ पे जो है नया अर्जेंट अपडेट था वो यही था कि अगर आपका अमाउंट कट गया है या फिर नहीं कटा है, डिडक्ट हुआ है नहीं हुआ है, आपका जो एप्लीकेशन जो पेमेंट स्टेटस है वो अगर इनिशिएटेड है तो आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। दोबारा पेमेंट के टाइम पे जो है अगर आपके 2 बार डिडक्ट हो जाते हैं और इंस्टीट्यूट को 2 बार पहुंच जाते हैं, तो 72 आवर्स में जो है आपका अमाउंट वो रिफंड हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आई होप जो है मैं अपनी बात को समझा पाया हूँगा, इंस्टीट्यूट की बात को आप तक पहुँचा पाया हूँगा। अगर कहीं पर भी जो है आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेट लिख लीजिएगा, मैं हर टाइम पे जो है आजकल जब तक जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, तब तक मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मोस्ट द टाइम जो है मैं आपको जो आंसर है वो दे पाऊँ। ठीक है, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।